आरआर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पिछले वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था एलटी लाइन का, आज हम उसे पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पर जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, सभी सामग्री की लिस्ट तैयार कर लेंगे और एक एलटी लाइन को ट्रांसमिट करने के लिए इतनी चीज़ों की हमें जो है आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्या है कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अगर लंबी लाइन है तो मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, या फिर अगर जो है क्या कहते हैं छोटी लाइन है तो वो और कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सारी मटेरियल होगी, ये आपको जो है क्या कहते हैं अपने ध्यान देकर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें हमने जो है क्या कहते हैं एस्टिमेट बनाते समय या क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम मटेरियल को ये वन बाई वन लिखेंगे तो कोई चीज़ हमसे छूटेगा नहीं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमें पोल चाहिए जिसपे हमें जो है क्या कहते हैं लाइन को ट्रांसमिट करना है। हमने निकाला था पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने निकाला था 7 पोल की आवश्यकता है। अब रेट लिस्ट से उसका रेट देख लीजिए कि एक पीस का कितना रेट है, आपको जितने पीस चाहिए उतने पीस का आप रेट निकाल के वहाँ लिख दीजिए। उसके बाद हमें जो है क्या कहते हैं सैकल पृथक कारक चाहिए, सैकल इंसुलेटर चाहिए। हमने बताया था कि जो है हम से एलटी लाइन के लिए सैकल इंसुलेटर या पिन इंसुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रेट लिस्ट से उसका रेट देख लीजिए, 50 रुपये पर पीस के हिसाब से दिया हुआ था, जो हमें 28 पीस चाहिए तो यहाँ पर रेट लिख दिया गया है। उसके बाद अब आप ये देखिए कि जब हमें सैकल इंसुलेटर लगाना है खंभे पर तो सैकल इंसुलेटर को कसने के लिए हमें उसका क्लैंप भी चाहिए, और जो हमारा जो है क्या कहते हैं 7 पोल लगे हुए हैं तो 7ों पोल पर इंसुलेटर को कसने के लिए हमें क्लैंप चाहिए। अब जो हमारे जो है क्या कहते हैं टर्मिनल पोल हैं उस पे अलग टाइप का क्लैंप लगाया जाता है, और जो नॉर्मल पोल हैं उस पर अलग टाइप का क्लैंप लगाया जाता है। जैसे जो है क्या कहते हैं यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में 2 टर्मिनल पोल थे, तो 2 टर्मिनल पोल थे, यहाँ पर हमें टोटल जो है 28 क्लैंप लगाने हैं, 7 पोल पर 28 क्लैंप लगाने, मतलब कि हर पोल पर 4 क्लैंप लगाने होंगे, 2 जो हमारा जो है रक्षण तार जा रहा है वो, और जो 2 हमारा जो है सप्लाई वायर जा रहा है उसके लिए, टोटल जो हम 4 वायर ले जा रहे हैं 4 वायर को टोटल कसने के लिए हमें 4 क्लैंप 4 इंसुलेटर लगाने होंगे, और 4 इंसुलेटर को कसने के लिए हर खंभे पर 4 इंसुलेटर, हर इंसुलेटर को कसने के लिए 4 क्लैंप चाहिए। अब 2 खंभे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं हमारे टर्मिनल पोल हैं, तो टर्मिनल पोल पर जो क्लैंप कसा जाता है वो हमारा डी क्लैंप कसा जाता है, और जो नॉर्मल पोल होते हैं उस पर आई क्लैंप कसा जाता है। तो आई क्लैंप जो है हमारा 5 पोल के लिए 20 हो गया और 2 पोल के लिए डी क्लैंप 8 हो गया, इसका भी रेट हम रेट लिस्ट से देख कर लिख लेंगे। फिर उसके बाद चालक हमें क्वेश्चन में दिया ही है कौन सा चालक चाहिए होगा, तो उसको हमने मात्रा उसकी निकाली थी पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो उसकी मात्रा निकाली गई है, तो उसका रेट जो है 35 रुपये पर मीटर है रेट लिस्ट में, तो उसको काउंट करके हम रख लेंगे। फिर उसके बाद भू तार चाहिए हमें 6SWG, भू तार के लिए हमने इसको भी कैलकुलेट किया था 306 मीटर, अब इसका भी रेट लिस्ट से रेट देख के आप लिख लीजिए। उसके बाद भू तार, जब भू तार लगाएंगे तो भू तार को कसने के लिए भू तार क्लैंप चाहिए, ये भी 7 पोल हैं तो 7 पीस चाहिए, और पर पीस के हिसाब से रेट दिया हुआ है, आप उसको काउंट कर लीजिए जितना पीस चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमें 5 mm व्यास का एल्युमिनियम बंधक तार चाहिए और एल्युमिनियम बंधक टेप। बंधक तार और बंधक टेप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम वायर, पहली बात तो जो है क्या कहते हैं हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है, जितने वायर हमें ले जाने हैं 3 वायर 4 वायर 6 वायर जितने वायर ले जाने हैं उसको कसने के लिए खंभे पर क्लैंप का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली ऐसे सीधे वायर लोहे पर, लोहे का खंभा है तो उस पर जो है क्या कहते हैं हम नहीं कस सकते, उसको हमें इंसुलेटर लगाना होगा, इंसुलेटर की सहायता से हम वायर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
तो इंसुलेटर जब लगाएंगे तो इंसुलेटर पर वायर को कैसे कसा कैसे जाएगा? तो इंसुलेटर को इंसुलेटर पर कसने के लिए हमें बंधक तार, जिस तार से बांधा जाता है, और बंधक टेप की आवश्यकता होती है। तो बंधक तार और बंधक टेप लिखा हुआ है, ये 70 मीटर लिखा हुआ है। इसका जो है क्या कहते हैं रेट हम काउंट कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद भू संपर्कन के लिए हम बताए थे कि जो खम्भे वगैरह होते हैं वहाँ पर पाइप जो है अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो पाइप अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप तीन जगह अर्थिंग दे रहे हैं, पिछले जो है क्या कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम आप इसका क्वेश्चन का देखेंगे तो वहाँ पर तीन जगह हमने अर्थिंग दी हुई है। तो तीन जगह अर्थिंग दिए हुए हैं, तो तीन जो है क्या कहते हैं हमें तीन सेट भू संपर्कन सेट चाहिए। उसका जो है पर के हिसाब से रेट हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद टेक तार स्टे वायर हमें लगाना है। स्टे वायर हम कहाँ लगाएंगे? दो दो स्टे वायर टर्मिनल पोल पे लगाया गया है, आप सिंगल लाइन डायग्राम में देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। तो टोटल हमें चार स्टे वायर सेट चाहिए, तो यहाँ पर उसका भी रेट लिख लेंगे। फिर उसके बाद 6 SWG GI तार चाहिए 30 मीटर, इसको भी कैलकुलेट किया गया था। ये हमें रक्षण पास के लिए, जो रक्षण लूप बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए होगा। उसके बाद स्प्लिट पृथक कारक चाहिए 10 रक्षण पास को बांधने के लिए। ये हमारा जो है क्या कहते हैं जो रेट है इसको देख के लिख लेंगे। फिर बारबेड तार हमने कैलकुलेट किया था 197.8 मीटर आया हुआ था, तो उसको भी रेट लिस्ट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए जो है क्या कहते हैं हमें हर खंभे पर खतरा बोर्ड भी लगाना है, खतरे का जो वार्निंग दे कि यहाँ पर जो है इतनी वोल्ट लाइन जा रही है, खतरा है, इसको टच ना करें। तो उसके लिए हमें खतरा बोर्ड लगाना होगा। तो 7 पोल हैं तो 7 खतरा बोर्ड लगाना होगा, और 7 खतरा बोर्ड को कसने के लिए 7 क्लैंप चाहिए, तो 7 क्लैंप चाहिए खतरा बोर्ड क्लैंप, उसको भी लिख लिया हमने। उसके बाद गली प्रकाश व्यवस्था देना है, तो हर खंभे पे एक लगाना है, 7 खंभे लगे हुए हैं तो 7 गली प्रकाश व्यवस्था चाहिए हर सेट के हिसाब। तो फिर उसके बाद नट बोल्ट वाशर जो भी चीज़ चाहिए होगा उसको हम जो है एक सिंपल वे में जो रेट नॉर्मल जो है क्या कहते हैं कोई भी रेट हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे, जो जितना मटेरियल हमें चाहिए होगा। अब बहुत ज़्यादा अगर हम एक रेशियो आपने देख लिया कि पर पोल से जो है यहाँ पर आप देखिए कि 80 रुपये दिया गया है 7 पोल पर लगाने के लिए, तो उसी हिसाब से आप जो है क्या कहते हैं अगर 14 पोल दिए हुए हैं तो आप उसको 160 कर लीजिए। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट बालू चाहिए खंभे सारी चीज़ों को सेट करने के लिए, तो उसको भी एक एस्टिमेटेड अपने जो है क्या कहते हैं अंदाज से, जैसे कि यहाँ 7 पोल के लिए 1200 रुपये इसका दिया हुआ है, तो जितने पोल होंगे उसी हिसाब से उसको हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो टोटल रेट आ गया हम इसको टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे तो हमारा जो है रेट आ जाएगा, टोटल सामग्री का रेट आ जाएगा। फिर उसके बाद 10% इसी का जो है क्या कहते हैं हमारा श्रम मूल्य हो जाएगा, 10% उसको ऐड कर लेंगे। फिर जो टोटलिंग आएगा उसमें जो है क्या कहते हैं 11% ऊपरी प्रभार और 5% आकस्मिक व्यय ऐड कर लिया जाएगा। और जो जब सारी चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा पूरा एस्टिमेट, ओवरऑल एस्टिमेट निकल जाएगा कि एक जो है क्या कहते हैं LT लाइन हमारा जो है जो 300 मीटर की LT लाइन हमको ट्रांसमिट करनी थी उसमें हमारा टोटल खर्च कितना हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन था LT लाइन का, और आगे जो है हाई वोल्टेज लाइन के लिए क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।